तो भैया आज मैं YouTube की जो ऐसी न्यूज आपको बताऊंगा जिसको देखकर आप सच में दंग ही रह जाएंगे, बल्कि पागल ही हो जाएंगे। क्योंकि आपने अभी कुछ समय पहले सुना ही होगा, जनवरी में जो YouTube ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी निकाली थी 4,000 घंटे वॉच टाइम का, तो ये तो बिल्कुल ही गलत कर रहा है। पता नहीं YouTube का बग है या क्या है। अब फिलहाल मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि किस तरह से आप 80 सब्सक्राइबर या 100 सब्सक्राइबर पर ही आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जा रहा है। अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक चैनल देखा था, उसके बहुत ही कम सब्सक्राइबर थे और उसका मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका था। तो कैसे उसका मोनेटाइजेशन ऑन हुआ, क्या पूरी उसका प्रक्रिया है, क्या आप भी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप एक लाइक करते हैं तो मेरा आगे वीडियो बनाने का और भी ज्यादा हौसला बढ़ता और है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर हम ऐसी और भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं काम की बात टेक्नोकेशन यानी हिमांशु के साथ। तो भैया एक चैनल है तरुण समाधान नाम से, उन भैया का बहुत ही अच्छे कम सब्सक्राइबर में उनका मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है। और आपने बहुत ऐसी वीडियोस देखी हुई जिसमें बताया कि उनका मोनेटाइजेशन, उनके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो गया, लेकिन अभी तक आपको किसी ने ये नहीं बताया कि उनका मोनेटाइजेशन ऑन इतने कम सब्सक्राइबर में कैसा हुआ है। तो मैं बता दूं, ये कोई यूट्यूबर का बग नहीं। तो फिर मैंने उन्होंने बात की, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा था, तो चलिए उस वीडियो को देख लेते हैं कि उनका मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं आपको भी बताऊंगा कि आप भी किस तरह से ये मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं सिर्फ कम सब्सक्राइबर्स में। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो भैया आप देख सकते हैं ये वो वीडियो है जिसमें उन्होंने पूरा बताया कि उनका कितना सब्सक्राइबर और कितना वॉच टाइम है। तो यहाँ पर 198 वॉच टाइम है और 84 सब्सक्राइबर है, फिर भी इनका मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है। तो चलिए इन्होंने क्रिएटर स्टूडियो में भी ये दिखाया कि उनका मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है और हर वीडियो पर उनका ग्रीन सिग्नल शो हो रहा है। तो एक कुछ क्रिएटर स्टूडियो की भी वीडियो यहाँ पर आई हुई है, तो ये देख सकते हैं इनका ग्रीन सिग्नल मतलब यहाँ पर दिखा रहा है, तो इनका मोनेटाइजेशन मतलब कि ऑन हो चुका है। तो आप भी मोनेटाइजेशन किस तरह से ऑन कर सकते हैं, तो सिंपल अगर हम बात करें तो 4-5 साल पहले की, तो यूट्यूब पहले क्या करता था, कोई भी पॉलिसी नहीं थी वहाँ पर मतलब सब्सक्राइबर्स की और वॉच टाइम की। मतलब कि 2014 से पहले की बात करें तो वहाँ पर चैनल बनाओ और मात्र 0 सब्सक्राइबर भी आपका मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया जाता था और पैसे कमाने लगते थे। तो मतलब कहने का मतलब ये, अगर आपकी 2014 से पहले की ईमेल आईडी बनी है और उस पर आप चैनल बनाते हैं तो आपका भी मोनेटाइजेशन ऑन हो सकता है। मैंने भी बहुत सारी ऐसी पहले भी एक चैनल देखा था जिनका मोनेटाइजेशन ऑन हो गया था। तो आप भी इस तरह से अगर आपकी कोई 2014 से पहले की ईमेल आईडी है तो आप उस पर चैनल बनाइए और आपका भी मोनेटाइजेशन 110% ऑन हो जाएगा बिना किसी सब्सक्राइबर, बिना किसी वॉच टाइम के। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और उस घंटे को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई नई वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।